फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। दिवाली के अवसर पर लाल क्वार्टर मार्केट और कृष्णा नगर मार्केट में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई, लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। आप देख सकते हैं कि कृष्णा नगर मार्केट और लाल क्वार्टर मार्केट है जहां हमने मंगलवार की शाम जाकर जायजा लिया, जहां पर मचान बने हुए हैं। उन मचानों पर पुलिस भी नजर आई, जहां आप देख सकते हैं कि मचान पर पुलिस भी खड़ी है और चारों तरफ उनकी निगरानी है कि इस भीड़ भाड़ इलाके में कोई संदिग्ध व्यक्ति ना जाए। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। जहां हमने मार्केट के एसोसिएशन से बात की तो उनका कहना था कि पुलिस की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है और एसोसिएशन की तरफ से भी अपने प्राइवेट गार्ड लगा रखे हैं, जो हर चौक पर वो भी निगरानी रखे हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि 2019 के बाद अब इस मार्केट के अंदर रौनक आई है और भीड़ भी काफ़ी है। उस भीड़ पे देखने के लिए जो पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं उससे भी पुलिस कर रही है चेकिंग। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम कबीर सिंह है, मैं मार्केट का प्रेसिडेंट हूँ। मैं मार्केट के अंदर क्या क्या गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है आपके थ्रू? देखो, अपनी तरफ से पूरी पुलिस के सहयोग के साथ मिलकर सारे उनके साथ मीटिंग करके हम लोग ऑलरेडी 5-6 मीटिंग हुई है हमारी डीसीपी के साथ, एसएचओ के साथ, उनके सहयोग के साथ हम लोग सारे अपन कोऑपरेट करके सारा जो है मार्केट को अपना रन कर रहे हैं। आपके कोविड के बाद अब रौनक आई है और ऐसे में मार्केट के अंदर क्या क्या पालन किए जा रहे हैं? देखो, रौनक की जरूर मार्केट आई, लेकिन परचेजिंग बार इस टाइम जो मार्केट में बिल्कुल डल है। इस टाइम मार्केट में काम नहीं है बिल्कुल भी। जो मार्केट रात को 3 बजे तक जाती है, अब मार्केट रात को 11 बजे तक समाप्त हो रही है वाली। इस मार्केट में वो काम नहीं जो आज से 2 साल पहले काम था। इसमें मास्क को लेकर क्या क्या आप अवेयरनेस किया जा रहा है? नहीं, मास्क तो हर आदमी को उसके ऊपर इंडिविजुअल हर आदमी का अपना फर्ज बनता है, अपना अपनी प्रिकॉशन लेकर चले अपनी। नाम और डिग्रेशन? लवली सहनी, जनरल सेक्रेटरी CPCR मार्केट एसोसिएशन लाल क्वार्टर किशनगढ़। 2019 के बाद अब रौनक देखी जा रही है और ऐसे में पुलिस का कितना सहयोग मिल रहा है? देखिए, करीब करीब 2 साल के बाद दिवाली के उपलक्ष्य में लोगों की रौनक फिर वापसी आई है और पुलिस का सहयोग पूरा मिला है। हमें लोकल SHO और हमारे शाहजहाँ जिला के जो DCP साहब हैं सुंदरम जी, उनका पूरा सहयोग मिला है। हमें 2-3 नई मचाने भी मिली हैं इस मार्केट में और उनके जो है राउंड भी काफ़ी लग रहे हैं। बीट वालों का सहयोग भी मिल रहा है, उनकी तरफ से हमें कोई कमी पेशी नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि से हम बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं आ रही हमें। ऐसे में धनतेरस, आज धनतेरस है, कल छोटी दिवाली है, फिर दिवाली है, भीड़ भी देखी जा रही है, भीड़ ज़्यादा ना हो, इसमें क्या क्या सावधानी बरतने के लिए आपने बोले हैं? देखिए, उसमें जगह जगह पुलिस ने बैरियर लगाए हुए हैं, उनका स्टाफ खड़ा हुआ है, हमारे मार्केट के सिक्योरिटी गार्ड भी खड़े हुए हैं और प्रॉपर चेकिंग भी की जा रही है। इसके अलावा जो गाड़ियाँ आती हैं, गाड़ियों पर भी कोई रोक लगाई है? हाँ, गाड़ियों की रोक लगी हुई है, 4-व्हीलर को अलाउ नहीं किया हुआ, 2-व्हीलर्स और जो साइकिल वगैरह हैं वो अलाउ है मार्केट में इस समय, बाकी सब पार्किंग में अपनी अपनी गाड़ी लगाकर शॉपिंग करने आ रहे हैं। उन लोग पुलिस के तरफ से जो है 20 अफसर भी घूमते फिर रहे हैं, परसों डीसीपी साहब भी आए थे, रात को उनकी पेट्रोलिंग भी होती है, उनकी तरफ से अच्छा इंतजाम है, बहुत ही बढ़िया इंतजाम है, कोई ऐसा उसमें कोई बुरा पक्ष नहीं है। हम देखते हैं यहाँ पर मार्केट में घूमते रहते हैं, मैं यहाँ का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मार्केट में देखते हैं कि कोई भी ऐसा शरारती तत्व नहीं है कि जो कोई शरारत करके जा सके। मार्केट में बहुत अच्छी चल रहा है प्रोग्राम। ऐसे में क्या क्या खास प्रबंध करा हुआ है मार्केट के एसोसिएशन की तरफ से भी? मार्केट की एसोसिएशन, ये जो आप डेकोरेशन देख रहे हैं, ये मार्केट एसोसिएशन ने कराई है और अपने इसके अंदर हमने अपने गार्ड भी लगाए हुए हैं 5-6, जो कि गली में यहाँ घूम रहे हैं रोडों के ऊपर, कोई बदमाशी ना करे, कोई चोरी ना करे, और हमारे जो है ये स्वागत समारोह भी कर रखे हैं।